देते हैं कि लगातार सुरंग के जरिए हिजबुल्ला की जो सेना है, लेबनान की जो सेना है, वो इसमें छुप के वार कर रही थी। पूरा सामान इसमें रखा हुआ था और जैसे ही आईडीएफ को इसकी जानकारी मिली, उसने अटैक किया और अपना ऑपरेशन पूरा कर लिया है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं आखिर वहां पर क्या हुआ। लेबनान की सीमा के भीतर घुसी इजरायली फौज को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इजरायल का दावा है कि हिजबुल्ला के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान उसने एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। ये साजिश थी एक बार फिर 7 अक्टूबर जैसे हमले को अंजाम देने की। इजरायली सेना ने हिजबुल्ला की एक टनल का पता लगाया है। सीमा के पास मौजूद इस टनल की लंबाई करीब 250 मीटर है। टनल के अंदर आतंकियों के छिपने और आराम करने के सारे बंदोबस्त हैं। इजरायली सेना ने टनल के अंदर भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया है। आईडीएफ के बयान के मुताबिक हथियारों से भरे बैग हिजबुल्लाह के सैन्य शाखा रादवान फोर्स के हैं। रादवान फोर्स के लड़ाके ही इजरायल की सेना और उसके नागरिकों पर हमले करते हैं। आईडीएफ ने अपने इस अभियान की तस्वीरें भी जारी की है, जिसमे टनल के अंदर आतंकियों के बैठने और आराम करने की जगह दिख रही है। टनल के अंदर मनोरंजन के लिए टीवी, वाटर और एयर प्योरीफायर जैसी बुनियादी सहूलियत की चीजें भी मौजूद हैं। इसके अलावा किचन जैसी सुविधाएं भी बंकर के अंदर बनाई गई हैं, जिससे लंबे समय तक आतंकी इस टनल को अपना ठिकाना बना सके। इसके अलावा रादवान फोर्स की टैग लगे कुछ बैग भी दिखे, जिसका इस्तेमाल हथियारों को रखने में किया जाता था। इजरायली सेना का आकलन है कि सुरंग का इस्तेमाल हमले से पहले छिपने और हमले के बाद आराम करने के लिए किया जा सकता था। इजरायल ने आतंक की इस टनल को तबाह कर दिया है। इसी के साथ इजरायल ने अपने दुश्मनों को चेतावनी भी दी है, जो भी 7 अक्टूबर जैसी हिमाकत की कोशिश करेगा तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। दूसरी ओर रक्षा विशेषज्ञों की माने तो उनका कहना है कि किसी बड़ी तैयारी में था लेबनान। हिजबुल्ला एक बड़ी तैयारी कर रहा था और इस वजह से इस सुरंग में ये तमाम सामान मिले हैं, लेकिन आईडीएफ ने इस बड़ी साजिश को पहले से ही नाकाम कर दिया। इजरायल की काफी ज्यादा सफलता है, लेकिन हिजबुल्ला की टनल भी उतनी ही है जितनी हमास की है, और हमास की टनल आज तक पूरी वो उनको ढूंढ नहीं पाया। हिजबुल्ला की पहली टनल है जिसको ढूंढ पाया और कह रहा है कि इसमें कुछ उनको हथियार भी मिले, कुछ उनको उनके बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिला इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन वगैरह। तो ये कुछ हद तक तो सफलता है, क्योंकि ये सफलता उनको मिली है सदर लेबनान में, जहाँ से हिजबुल्ला के जो ट्रक्स जो हैं 28 सेकेंड में आके मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं, रॉकेट को लॉन्च करके वापस छुप जाते। तस्वीरों के जरिए आप बता देते हैं कि किस तरीके से लेबनान भी तैयारी करते दिखाई दे रहा है। आपको दिखाते हैं कि लेबनान भी अपनी पूरी रणनीति के साथ काम कर रहा है। जरा इन तस्वीरों को देखिएगा, आईडीएफ की एयर स्ट्राइक है, दूसरी ओर लेबनान तैयारी कर रहा है। लेकिन अगर बात करें आईडीएफ की तो वो अटैकिंग मोड में नजर आ रहा है। इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं। धमाके से तबाही का मंजर देखने को मिला, एक के बाद एक अटैक इजराइल की तरफ से। बैरूत में भीषण बमबारी, कई वो इलाके खासतौर पर दक्षिण लेबनान में इजराइल अटैक कर रहा है। कई इलाकों को चुन चुन का निशाना बनाया जा रहा है, जहां पर रॉकेट रखे हैं, इसके अलावा हथियार छिपाए रखे हैं, जो बेस कैंप बनाए हुए हैं इन पर खास तौर पर नजर रखी हुई है। और आपको जानकारी दे दें कि एक के बाद एक इजराइल अटैक कर रहा है। अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि एक के बाद एक अटैक किए जा रहे हैं और हमले लगातार इजराइल की तरफ से हो रहे हैं। जरा तस्वीरें आप देखिएगा, धमाके हो रहे हैं और ये जो सुरंग थी उसको भी नष्ट कर दिया गया। आपको बताते हैं जिस टनल की हम जानकारी आपको दे रहे थे, जिस सुरंग की जानकारी दे रहे थे,
हिजबुल्ला की हमास वाली सुरंग कहां मिली, फिर ऑपरेशन किस तरीके से इसको अंजाम दिया गया। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला की टनल मिली थी, इसके बाद ही ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान टनल का खुलासा किया गया, क्योंकि इस पोर्शन पे लगातार निगरानी इजराइल की ओर से रखी जा रही है। 250 मीटर लंबे टनल में अत्याधुनिक सामान मिले, हथियार मिले। इसराइल का दावा है कि हमले की साजिश नाकाम कर दी गई है। एक बड़े हमले की तैयारी में था हिजबुल्ला, 7 अक्टूबर जैसे हमले के लिए टनल में तैयारी, क्योंकि 365 दिन एक साल पहले इसी तरीके से हमला इसराइल पर बोला गया था और वो हमला भी टनल के जरिए हुआ था। आतंकियों के छिपने, हमले करने की सारी सुविधाएं इसमें मिली है। इजरायली सीमा से सटे इलाकों में आपको बता दें तैयारी ऑपरेशन की हो रही थी, अंडरग्राउंड टनल बनाई हुई थी। आईडीएफ जवानों ने हिजबुल्ला की टनल को तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, नष्ट कर दिया है और इसी के साथ एक बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई है। इसके अलावा आपको बड़ी खबर बता देते हैं, दक्षिण लेबनान के 25 गांव के लोगों को चेतावनी दी गई है। और कहा गया है कि 25 गांव के लोग जगह खाली कर दें। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक बड़ी चेतावनी आईडीएफ की ओर से। आईडीएफ ने तत्काल गांव खाली करने की चेतावनी दे दी है, कह दिया है कि ये जो जगह है इनको खाली कर दिया जाए। द्वाली नदी से उत्तर दिशा की तरफ जाने को कहा है, कहा है कि ये जितने भी 25 गांव बताए जा रहे हैं, इधर जितने भी लोग रहते हैं वो जगह खाली कर दें, क्योंकि एक बड़ी तैयारी, एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी आईडीएफ की तरफ से की जा रही है। लगातार आईडीएफ अटैकिंग मोड में है। आईडीएफ ने ठान लिया है कि जिस तरीके से गाजा का हाल किया था वही हाल हिजबुल्ला का करना है, और ये आईडीएफ की तरफ से साफ तौर पर बार बार कह भी दिया गया है। बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि लगातार जो हमले किए जा रहे हैं वो कहां कहां हो रहे हैं। इजराइल सेना का पूरा फोकस इस समय आपको बता दें लेबनान को खत्म करने में है, और इस वजह से ये लोकेशन और ये जगह आप देख रहे हैं, बैरूत की बात हो, त्रिपोली की बात हो, इसके अलावा ओदेसेह की बात हो, बेका घाटी पर साफ तौर पर निगरानी बनी हुई है। बेका घाटी पर लगातार अटैक किए जा रहे हैं। इसके अलावा दमिश्क बैरूत रोड की बात हो, क्योंकि ये वो जगह है, ये वो इलाके हैं जहां पर इसराइल को लगता है कि लेबनान ने अत्याधुनिक हथियार छिपा रखे हैं। इधर तैयारी बड़ी की जा रही है, जैसे कि एक सुरंग अभी नष्ट कर दी गई है। जैसे ही इंफॉर्मेशन मिली इसराइल ने अटैक किया और एक बड़ा कदम उठाया, इसलिए खास तौर पर चाहे त्रिपोली की बात हो, चाहे बैरूत की बात हो, चाहे अलग जगहों की बात हो, लग रहा है लगातार इसराइल को इसलिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, लेबनान में आईडीएफ की स्ट्राइक में 23 की मौत की खबर सामने आ रही है। 24 घंटे में लेबनान के अलग अलग इलाकों में मौत, आईडीएफ की बमबारी में 23 लोगों की मौत, तो 93 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है, 24 घंटे के अंदर लेबनान के अलग अलग इलाकों में कई मौत की खबरें हैं। तो लगातार इसराइल अटैक कर रहा है, आईडीएफ की बमबारी में 23 की मौत, लगातार बमबारी हो रही है, धमाके हो रहे हैं, सायरन बज रहा है और 93 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो स्वास्थ्य मंत्रालय का ये दावा